हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास 12th केमिस्ट्री. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मर्करी सेल एंड ड्राई सेल. बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी बैटरी. सो नाउ वी आर गोइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकेंडरी बैटरी. इन द लास्ट लेक्चर द थ्योरी ऑफ सेकेंडरी बैटरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Those cells which can recharge it by passing the electricity in the opposite direction and they can be reused again. यानी कि वो सेल जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, कैसे, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवा के, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. ऐसी बैटरीज को, ऐसे सेल को हम बोल देते हैं सेकेंडरी बैटरी. ये होगी इसकी डेफिनेशन. आगे कहता है द गुड सेल अंडरगोज द नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल. एक जो अच्छी बैटरी या एक अच्छा सेल होता है, जो सेकेंडरी होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साइकिल बने हुए होते हैं कि एक बार वो चार्ज हो गया, फिर वो डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हो गया, ऐसे रिपीटेशन में. क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं होती कौन कौन सी है. लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंडरी बैटरी. अब देखते हैं इनमें क्या क्या होता है. सबसे पहले एनोड की बात कर देंगे. एनोड भी होता है लेड एज एनोड, यानी कि एनोड कौन काम करेगा, लेड. ठीक है. अब देखते हैं कैथोड. कैथोड है, कहता है ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2, यानी कि लेड डाइऑक्साइड. तो कैथोड पे कौन है, पैक्ड हो रखा है लेड डाइऑक्साइड ग्रिड. एनोड पे कौन है, अकेला लेड. अब देखनी है इनकी रिएक्शन कैसे होगी. एनोड पे कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कैथोड पे कौन कैसे रिएक्ट करेगा. आगे देखिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो होगा 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा वो कौन होगा, H2SO4. लेकिन वो कितने परसेंट सॉल्यूशन होगा, 38%. अब 38% का क्या मतलब है, अगर मान लो इसको हम 100 सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें से 38% तो इसकी क्वांटिटी होगी, बाकी वाटर या कोई और केमिकल, वाटर ही होगा मेनली. तो ठीक है, तो अब देखेंगे सेल की रिएक्शन. तीनों चीज हो गई, एनोड का पता लग गया, कैथोड का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का. अब रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहले एनोड पे, एनोड पे हमारे पास था क्या पहले, ये देखो लेड था, यानी कि पीबी, एस का मतलब सॉलिड फॉर्म में था. ठीक है, सॉल्यूशन में से हमारे पास क्या आएगा, H2SO4 को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा H2SO4 किस किस में, H2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव. तो वो हमने लिया SO4 2 नेगेटिव. किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली सी बात है एक्वस फॉर्म में, क्योंकि क्या है ये, सॉल्यूशन. ठीक है जी, लेड हो गया और SO4 2 नेगेटिव हो गया. अब दोनों मिलके ये क्या बना देंगे, लेड सल्फेट, यानी कि PbSO4. इसके ऊपर दो नेगेटिव था, वो दो नेगेटिव का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, तो वो अलग रह गए, क्योंकि ये जब दोनों मिल जाएंगे सल्फेट जो होगा वो होगा सॉलिड फॉर्म में. क्लियर? दो नेगेटिव या दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, SO4 2 नेगेटिव था, तो वो अलग रह गए. अब देखते हैं कैथोड की रिएक्शन क्या होगी. कैथोड पे देखिए, कहता कैथोड के ऊपर हमारे पास था, जब हमने देखा कि कैथोड के ऊपर क्या था, तो लेड डाइऑक्साइड था. ये लेड ऑक्साइड था वहां पे पैकेट कर रखा था ग्रिड में. इसके साथ भी फिर क्या होगा, H2SO4 का सॉल्यूशन था, किसमें ब्रेक डाउन होगा, SO4 2 नेगेटिव. ये ले लिया हमने SO4 2 नेगेटिव, एक्वस है. ठीक है, अब साथ में कहता और क्या है, 4H पॉजिटिव. अब ये 4H पॉजिटिव कहाँ से आए, ये क्या था, H2SO4. जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये क्या बन गया था, 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव. जब दोबारा फिर मान लो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव. तो दो और दो
चार एच पॉजिटिव, तो ये क्या बन गए, चार एच पॉजिटिव। क्लियर। ऊपर निकल गए थे दो इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिख दिए। अब रिएक्शन क्या हो गई, पूरी हो गई। अब इसको जोड़ दो, पी बी ओ टू था इधर, एसओ फोर टू नेगेटिव था, तो इसमें से पी बी और इसमें से एसओ फोर, तो क्या बन गया, पी बी एस ओ फोर। इधर बच गया ओ टू, इधर फोर एच और टू इलेक्ट्रॉन। फोर एच को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू एच टू, और जो ओ बच गया वो जाके, तो ये क्या मिल गया बनके, टू एच टू ओ, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म। एक बार दोबारा देख लीजिए दोनों रिएक्शन, पहले एनोड पे देखिए, हमारे पास पी बी था और साथ में था एसओ फोर टू नेगेटिव, दोनों मिलके बन गए पी बी एसओ फोर, जो कि होगा सॉलिड फॉर्म में। दो इलेक्ट्रॉन अलग, वो कहाँ से आए, जो एसओ फोर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वहां से। फिर कैथोड की रिएक्शन देखेंगे, कैथोड में क्या हुआ है, हमारे पास, हमें पहले ही पता था वहां पे क्या था, पी बी ओ टू जो कि पैकेट था, ठीक है। एसओ फोर टू नेगेटिव आ जाएगा सोल्यूशन से, 4H पॉजिटिव भी सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव भी थे क्योंकि, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर रिलीज हुए थे, जब सारे मिलेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, जो पी बी ओ टू था वहाँ से पी बी आएगा, एसओ फोर टू नेगेटिव से एसओ फोर टू नेगेटिव आएगा और मिलके बन जाएगा पी बी एसओ फोर। उधर ओ टू बच गए, इधर H पॉजिटिव बच गए और इलेक्ट्रॉन्स बच गए। H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन H पॉजिटिव की अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे चार नंबर है, वहाँ पे दो नंबर है, तो उधर से O2 आएगा और ये सारे मिलके बन जाएंगे H2O। क्लियर यहां तक। तो बच्चे ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन भी आप लोगों ने देख ही लिया कि PbS था PB, अब चलिए ओवरऑल देख लेते हैं, आई थिंक यहां तक ये देखी थी। देखिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, जो एनोड और कैथोड हो गए उन दोनों की रिएक्शन लिखनी होती है हमें। अब एनोड पे क्या था, पी बी एस, कैथोड पे क्या था, पी बी ओ टू। अब देखिए इधर भी एसओ फोर है, इधर भी एसओ फोर है, सेम है, इधर एच है, एच पॉजिटिव है यानी कि, और ये दोनों मिल गए क्या बने थे, एच टू एसओ फोर, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एच टू एसओ फोर, ठीक है। अब ये सब मिलके क्या बनाएंगे, जो हमारा मेन प्रोडक्ट आया था, क्या क्या आया था, देखिए इधर भी पी बी एसओ फोर था, इधर भी पी बी एसओ फोर, तो एक ये मिलके क्या बन गए, दो पी बी एसओ फोर, ठीक है। इधर क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन, इधर क्या निकला था, वाटर, तो हम वाटर को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गए थे। तो यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या समझ में आया कि हमारे पास लेड सल्फेट बनता है और वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में। आगे देखिए क्या कहता है कि ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, कि कहता है जब चार्ज करनी होगी ये बैटरी तो जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी रिएक्शन। एंड पी बी एसओ फोर सोलिड ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इन टू पी बी एंड पी बी ओ टू, यानी कि क्या कहना चाहता है ये कि जब बैटरी कहता चार्ज होगी जो प्रोडक्ट होंगे वो तो रिएक्ट करेंगे एज अ रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट होगा वो एक्ट करेगा एज अ प्रोडक्ट, या फिर ये कहिए कि जो पी बी एसओ फोर यहाँ पे प्रोडक्ट था अब वो एक्ट कर रहा है एज ए एनोड, जबकि एनोड पे था क्या, पी बी था, लेड था, ठीक है। और जो कहता कैथोड है, कैथोड में क्या क्या बना है, पी बी एसओ फोर और एच टू ओ, ये कहता कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पी बी ओ टू में, और अकेला पी बी में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, जब बैटरी चार्ज होगी ओनली तब, ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, दो यहां पे मेटल आप लोगों को दिख रही है, एक निकल और एक कैडमियम, कहता इट इज ऑल्सो द सेकेंडरी सेल। चलो हमें अब सेकेंडरी सेल का एक और एग्जांपल मिल गया, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज बैटरी बट मोर एक्सपेंसिव, कहता इसकी जो लाइफ पीरियड होगा निकल कैडमियम का, इसका लाइफ पीरियड हमारी सेकेंडरी बैटरी से ज्यादा होगा जो हमने लेड स्टोरेज की अभी पढ़ी है, लेकिन कहता ये बहुत खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखनी है,
इसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसकी डायरेक्ट हम ओवरऑल रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक्स में ज़्यादा है नहीं है हमारे पास, थोड़ा ही पूछा जाता है इसका नाम ना। तो देखिए, कैडमियम होगा सॉलिड फॉर्म में, NiOH की थ्राइस होगा सॉलिड फॉर्म में। जब दोनों मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा कैडमियम ऑक्साइड, NiOH की थ्राइस था अब हो जाएगा टिवाइस, और साथ में निकल जाएगा वॉटर। तो यानी कि निकल कैडमियम सेल के अंदर हमारे पास कैडमियम ऑक्साइड बनता है और निकल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये है हमारा, लेड स्टोरेज से ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से थोड़ा सा फिर पीछे रह जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी।